Hello everyone, welcome to Get Education. In this lecture, we will derive a condition for maximum possible value of time constant RLC in the case of envelope detector so that the message signal can be detected properly. Likho question. Determine the upper limit of discharging time constant, discharging time constant क्या था इन बल्ब डिटेक्टर के केस में, आर एल इंटू सी. In the case of envelope detector, so that the capacitor voltage follows the envelope of AM signal. ये क्वेश्चन है. क्या पूछ रहे हैं ये? जो आपका आरएलसी टाइम कांस्टेंट था, आरएलसी मैंने क्या बोला था, मच लेस देन वन बाई एफ एम बोला था मैंने. क्या बोला था वहां पे? आरएलसी शुड बी मच लेस देन ऑफ 1/FM. अब ये बोलना है अपर लिमिट होगी कितनी यहाँ पे, कि जो मच लेस देन में हम कितना रखे हैं, तो वो आपको अपर लिमिट फाइंड करनी है आरएलसी की, जिससे क्या हो जाए, जो कैपेसिटर का वोल्टेज था वो क्या फॉलो करे, इनवेलप फॉलो करे एएम सिग्नल का, वो फाइंड करना है. देखो क्या था डिस्चार्जिंग वाली कंडीशन में, कैपेसिटर चार्ज हुआ था, चार्ज होने के बाद डिस्चार्ज हो रहा था तो डायोड आपका ओपन हो गया था, तो डायोड ओपन हो गया था, बचा हुआ ये सर्किट बचा था डिस्चार्जिंग वाला, तो मैंने सिर्फ इतना ही सर्किट ले रहा हूँ, आर सी और ये रेजिस्टेंस था आर एल, इसके अक्रॉस हमको क्या मिल रहा था, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, ये था बी सी टी. तो डिस्चार्जिंग के केस में डायोड ओपन हो गया था, सर्किट इतना बचा था. अब ये सर्किट देखो कौन सा है, कैपेसिटर चार्ज हो गया था कुछ वोल्टेज तक, पीक वैल्यू तक, उसके बाद फिर डिस्चार्ज हो रहा था इस आर एल के थ्रू. तो ये आपका देखो कैपेसिटर चार्ज है और आपका रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, कौन सा सर्किट हो गया आपका, सोर्स फ्री आरसी सर्किट, सोर्स फ्री आरसी सर्किट. और इसका सॉल्यूशन आपने नेटवर्क में पढ़ाया है, ये जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज कितना होता है, वोल्टेज वी सी टी इज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई वी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी अपॉन टाउ. टाउ क्या, टाइम कांस्टेंट कितना होगा, आर एल इंटू सी. तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैपेसिटर वोल्टेज इस सर्किट के लिए इस इक्वेशन से आएगा, कौन सा सर्किट है, सोर्स फ्री आरसी सर्किट. अब यहाँ पे ई की पावर को हम एक्सपेंड कर दे रहे हैं, तो क्या होता है, वन प्लस ई की पावर एक्स का, वन प्लस एक्स, तो एक्स कितना है, माइनस के टी अपॉन आर एल अपॉन सी, तो माइनस के टी अपॉन आर एल इंटू सी प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू, तो कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल टू इसका स्क्वायर करोगे तो टी स्क्वायर अपॉन आर एल इंटू सी का होल स्क्वायर, ऐसे ही आपके क्यूब करोगे तो हाईर ऑर्डर टर्म आएगा कोई, ऐसे ही आपका ये सीरीज चलती रहेगी. बट आपको एक चीज और पता है, जो आपका आरएलसी था, आरएलसी मैंने क्या बोला था, आरएलसी बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं होना चाहिए, आरएलसी शुड बी हाई इनफ, ठीक है, आरएलसी क्या होना चाहिए, दिस शुड बी हाई इनफ, हाई हो लेकिन बहुत ज्यादा, इतना भी हाई ना हो कि 1/FM से बाहर चला जाए,
ठीक है ना। तो यानी कि वैल्यू तो हाई है, लेकिन क्या है 1/fm से अंदर ही है हाई। जैसे मान ले रहा हूँ मैं इसकी वैल्यू 100 है, ठीक है, तो 100 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 4। तो ये वाला नंबर देखो बहुत छोटा हो जाएगा। ऐसे इसके बाद वाले नंबर में तो क्यू की पावर होगी, 4 की पावर होगी, तो वो नंबर तो और छोटे होते जाएंगे। तो हायर ऑर्डर टर्म को आप निगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आर एल सी की वैल्यू सफिशेंटली क्या है, हाई है, ठीक है ना। आर एल सफिशेंटली हाई, आर एल सी क्या है, सफिशियंटली हाई है, देयरफॉर हायर ऑर्डर टर्म कैन बी निगलेक्टेड, हायर ऑर्डर टर्म, हायर ऑर्डर टर्म्स कैन बी निगलेक्टेड, तो सिर्फ इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं हम वी नॉट 1 - k टी अपॉन आर एल इंटू सी, इतना बचेगा ये, क्या आ गया है वी सी टी। अब देखो आपका ए एम सिग्नल का फिर से प्लॉट बनाना है। ये रेड कलर वाला क्या था अपना, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, ये जो इनवेलप है ये क्या है, को इनवेलप, एग्जैक्ट इनवेलप यही होता है, कैपेसिटर का वोल्टेज ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमको क्या कंडीशन निकालनी है, कैसे निकालेंगे हम कंडीशन। अब यहाँ पे देखो आपका क्या हो रहा है, जो आपका इनवेलप है, इनवेलप ये वाला है, ये डॉट डॉट करके जो मैंने बनाया है, जो मैंने डॉट डॉट करके बनाया है। अब देखो पूरे प्लॉट में जो डॉट डॉट वाला प्लॉट है, जो इनवेलप का प्लॉट है, एग्जैक्ट प्लॉट जो है वो देखो, हमेशा उसका स्लोप और जो कैपेसिटर का वोल्टेज है, कैपेसिटर का जो वोल्टेज है का स्लोप है वो हमेशा ज़्यादा है मैग्नीट्यूड वाइज कंपेरिजन टू इनवेलप। एनालाइज करो जरा इसको, देखो कैपेसिटर का स्लोप कैसे ज़्यादा है, इधर मैं बना रहा हूँ, कैपेसिटर का जो वोल्टेज आया, देखो स्लोप क्या होता है, एंगल बनाना है एक्स एक्सिस से, तो इसका देखो एंगल कैसे बनता है, इस टाइप से जा रहा है, और यहाँ पे ये वाला इस पे देखो कहीं भी बनाओगे टेंजेंट हमेशा इससे ऊपर ही रहेगा, हमेशा इससे क्या रहेगा, ऊपर ही रहेगा। तो बताओ इनमें से मैग्नीट्यूड वाइज किसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, कैपेसिटर वाले वोल्टेज की ज़्यादा आएगी। जैसे आपकी इधर में एक लाइन ये है आपकी, ठीक, एक लाइन आपकी ये है, तो इसमें से देखो स्लोप, इसका स्लोप कितना होगा, कम होगा, इसका स्लोप क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऐसे ही नेगेटिव साइड अगर होगा, नेगेटिव साइड में भी सेम चीज़ होती है, जिसका एंगल ज़्यादा होगा, जैसे इधर मैं बनाता हूँ सेपरेट, एक ये लाइन है आपकी और एक ये लाइन है, देखो जिस जो लाइन का स्लोप ज़्यादा होगा, इसका कम स्लोप है, इसका ज़्यादा स्लोप है, सेम चीज़ यहाँ पे है। देखो लाइन, ये वाली लाइन कौन सी हो गई आपकी, ये लाइन होगी इनवेलप वाली, कम स्लोप वाली कौन सी है, देखो इनवेलप वाली है, ज़्यादा स्लोप वाली कौन सी है आपकी, वो हो गई है आपकी कैपेसिटर के वोल्टेज की, तो कैपेसिटर की वोल्टेज का देखो स्लोप ज़्यादा है, और जो आपका इनवेलप है उसका स्लोप कम है, तो मैग्नीट्यूड वाइज कौन सा ज़्यादा रहेगा, कैपेसिटर का ज़्यादा रहेगा। तो यानी कि हम बोल सकते हैं इस पूरे रीजन में
क्या होना चाहिए? कैपेसिटर वोल्टेज का जो स्लोप है वो एनवेलप के स्लोप से कम होना चाहिए। कंडीशन फॉर कैपेसिटर वोल्टेज टू फॉलो द इनवेलप टू फॉलो द इनवेलप ऑफ एएम सिग्नल। क्या कंडीशन होना चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज VCT ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द एनवेलप ऑफ envelope of SAMT। अब क्या था पीछे क्वेश्चन से देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ बीसीटी। बीसीटी की इक्वेशन देखो जो पीछे लिखी है क्या है, देखो बीसीटी की इक्वेशन ये वाली है। यहाँ से देखो स्लोप कितना आ जाएगा, टी के फॉर्मी इक्वेशन थी तो टी के रिस्पेक्ट में स्लोप कितना आएगा, बी मल्टीप्लाई करोगे तो बाई बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो तो स्लोप कितना आएगा, माइनस के बी नॉट अपॉन आर एल सी। हमको क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, हमको लेना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा यहाँ से, V नॉट अपॉन आर एल सी विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू इनवेलप का क्या लेना है, स्लोप का मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, इनवेलप था क्या, इनवेलप ये वाला था, कौन सा, ये वाला, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ से आपका डी ओवर डी टी। स्लोप कैसे निकालते हैं, इनवेलप है, इनवेलप आपको पता ही है पहले से, इनवेलप को फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ वी नॉट। मान लिया ये इनवेलप क्या है इसका, ये इनवेलप बी नॉट है। तो कैसे निकालते हैं स्लोप, डेरिवेटिव लेते हैं और हमको लेना क्या है, मैग्नीट्यूड लेना है, सही है। अब आपको बी नॉट पता है इनवेलप क्या होता है, म्यू लेस देन इक्वल्स टू वन है, तो इनवेलप का मतलब क्या है आपका, ए सी वन प्लस के ए एम टी, यही तो इनवेलप होता है। ठीक है, अब बी नॉट की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो और करो सॉल्व। ठीक है, ये वाला बी नॉट भी कौन सा है, जैसे जैसे इनवेलप का वोल्टेज वेरी करेगा उसी टाइप से ये कैपेसिटर का वोल्टेज भी उसी को फॉलो करेगा। जैसे यहाँ पे क्या होगा, जो वी नॉट यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वही पी के वैल्यू इसकी होगी, फिर यहाँ पे डिक्रीज हुआ फिर इसको फॉलो किया, जो यहाँ पे वैल्यू होगी इनवेलप की वही कैपेसिटर के वोल्टेज की होगी, ऐसी जो यहाँ पे वैल्यू होगी वही कैपेसिटर के वोल्टेज की होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखा है, जो स्टार्टिंग वोल्टेज है जो चार्ज जहाँ तक चार्ज हो रहा है वो वाला वोल्टेज था, जो आपका सोर्स फ्री आर एल सर्किट होता है वो क्या होता है, स्टार्टिंग में कैपेसिटर कितना चार्ज था, तो स्टार्टिंग में इस पॉइंट पे इतना चार्ज था, इस पॉइंट पे इतना चार्ज हो गया, इस पॉइंट पे इतना चार्ज हो गया, इस पॉइंट पे इतना चार्ज था, तो ये सारा आ कहाँ से रहा है, आ तो इसी इक्वेशन से रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे भी वी नॉट लिखा हुआ है, वी नॉट चेंज हो रहा है टाइम के साथ। अब उठा के बी नॉट की वैल्यू पुट कर दो उस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा देखो, ए सी वन प्लस के एम टी अपॉन आर एल सी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इसको डिफ्रेंशिएट करो और मैग्नीट्यूड ले लो, क्या था हमारा बी नॉट, ए सी वन प्लस के एम टी, तो आपका बचेगा ए सी का जीरो हो जाएगा ए सी के डी एम टी अपॉन डी टी, ए सी के डी ओवर डी टी एम टी इतना बचेगा।
लेट एम टी मान ले रहे हैं कि आपका सिंगल ट्यून है, यानी कि ए एम कॉस टू पाई एफ एम टी। ठीक है, यहाँ से कंडीशन भी अपने याद रखना, कभी कुछ वेरिएशन कर रहे हैं एम टी में तो आपका यहाँ से आ जाएगा। एम टी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ए सी वन प्लस के ए एम कॉस टू पाई एफ एम टी अपॉन आर एल सी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए सी के ए। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, एक तो ए एम आ जाएगा आपका, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस के साइन होता है तो माइनस के साइन भी आएगा, और क्या आ जाएगा साथ में टू पाई एफ एम, टू पाई एफ एम साइन टू पाई एफ एम टी इतना बचेगा। तो क्या बचेगा अब यहाँ से, ए सी वन प्लस के ए, अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, के ए एम को क्या लिखते हैं म्यू कॉस ऑफ टू पाई एफ एम टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड लोगे इसका तो कितना आ जाएगा, ए सी के ए एम टू पाई एफ एम को मैं लिख दे रहा हूँ ओमेगा एम, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में साइन ऑफ टू पाई एफ एम टी, ए सी से ए सी हो गया कैंसिल। तो यहाँ से आपका कंडीशन निकल के आएगी, आर एल सी इज लेस देन और इक्वल्स टू वन प्लस, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ क्या हो जाएगा, आर एल सी लेस देन और इक्वल्स टू वन प्लस म्यू कॉस टू पाई एफ एम टी अपॉन, और क्या हो जाएगा ये वाला, यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा के ए एम को क्या कर दूंगा म्यू रख देता हूँ, तो म्यू ओमेगा एम, म्यू म्यू ओमेगा एम साइन ऑफ टू पाई एफ एम टी, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज वन प्लस म्यू कॉस ऑफ ओमेगा एम टी अपॉन म्यू ओमेगा एम साइन ऑफ ओमेगा एम टी। तो ये लिमिट आ गई है, तो अपर लिमिट कितनी होगी, ये वाली होगी, हमेशा इससे छोटा या बराबर होना चाहिए। तो अपर लिमिट कितनी हो गई, आर एल सी इक्वल्स टू वन प्लस के म्यू कॉस ऑफ ओमेगा एम टी डिवाइड बाई म्यू ओमेगा एम साइन ऑफ ओमेगा एम टी। तो जो हमने कंडीशन लगाई थी आर एल सी मच ग्रेटर देन वन बाई एफ सी एंड मच लेस देन वन बाई एफ एम, तो जो मच लेस देन वन बाई एफ एम है वहां पे वन बाई एफ एम की जगह क्या हो गया, अब आर एल सी शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू दिस रेंज, इसके लिए आपका परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन हो पाएगा मैसेज इनका सिग्नल का, यानी कि इनवेलप जो आएगा वो मैसेज सिग्नल के जैसा होगा। दिस ट्रू फॉर एनी टाइम टी इक्वल्स टू टी, किसी भी टाइम पे ये कंडीशन, जितना टाइम होगा उस टाइम पे कंडीशन चेंज होती रहेगी, कंडीशन फिक्स नहीं है, चेंज होती जा रही है टाइम के साथ, जितना टाइम लोगे उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब ये तो आपकी टाइम पे डिपेंड कर रही है कंडीशन, किस पे डिपेंड करता है, देखो टाइम टी है, टी का फंक्शन है ये लिमिट, अपर लिमिट टी का फंक्शन, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा टाइम की वैल्यू चेंज करोगे तो अपने आप ये कंडीशन भी चेंज होती रहेगी। अब मैं एक कंडीशन ऐसी फॉलो कर फंड कर रहा हूँ टी की सारी वैल्यू के लिए वैलिड रहे, क्या रहे, टी की सारी वैल्यू के लिए वैलिड रहे, सही है ना, टी की कुछ भी वैल्यू ले
अगर वैल्यू इससे कम है तो आपका इनवेलप डिटेक्शन अच्छे से होगा। तो बताओ यहाँ पे देखो क्या है, आर एल सी लेस देन और इक्वल्स टू, दिस नंबर से हमेशा लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए। अगर मैं ऐसा कर लूँ, क्या कर लूँ कि जो ये वाला नंबर है, कौन सा नंबर अपना, ये वाला जो नंबर है, इस वाले नंबर की मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लें, इस वाले नंबर की अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लें और उस मिनिमम वैल्यू से आर एल सी हमेशा छोटा हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आपका आर एल सी है इससे छोटा है या बराबर है, अब मैं बोल रहा हूँ इसकी एक मिनिमम वैल्यू फाइंड कर ले रहा हूँ, आर एल सी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, ये फंक्शन था, इसकी क्या कर ले रहा हूँ, मिनिमम वैल्यू फाइंड कर ले रहा हूँ। अगर ये नंबर आर एल सी मिनिमम वैल्यू से छोटा है तो अदर वैल्यू से भी छोटा ही रहेगा हमेशा कि नहीं रहेगा, यानी कि लिख लो कंडीशन फॉर कैपेसिटर वोल्टेज, कंडीशन फॉर वी सी टी टू फॉलो द इनवेलप, टू फॉलो द इनवेलप ऑफ एस ए एम टी फॉर ऑल टाइम, फॉर ऑल टाइम क्या हो जाए, अगर आर एल सी शुड बी लेस देन वन प्लस म्यू कॉस ऑफ ओमेगा एम टी म्यू ओमेगा एम साइन ऑफ ओमेगा एम टी की मिनिमम वैल्यू से। अब मिनिमम वैल्यू तुमको आता है, मैक्सिमम मिनिमा से निकालना, क्या करोगे, ये वाला टर्म है इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लो, डिफरेंशिएट करोगे उठा के जीरो कर दोगे, वहां से एक रिलेशनशिप आएगा, उस रिलेशनशिप को उठा के दोबारा से पुट कर दोगे, तो जो वैल्यू मिलेगी वो हमको क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो करना है इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड, करो मिनिमम वैल्यू फाइंड। क्या कहते हैं मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, डिफरेंशिएट करते हैं, जिस फंक्शन की फाइंड करते हैं उसी फंक्शन की, क्या है फंक्शन हमारा, वन प्लस के म्यू कॉस ऑफ ओमेगा एम टी अपॉन म्यू ओमेगा एम साइन ऑफ ओमेगा एम टी का डेरिवेटिव उठा के करो जीरो, ले लो इसका डेरिवेटिव। तो हम डेरिवेटिव लेंगे तो हो जाएगा ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर म्यू स्क्वायर ओमेगा एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा एम टी म्यू ओमेगा एम साइन ओमेगा एम टी, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे तो कितना हो जाएगा, म्यू कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका साइन ओमेगा एम टी माइनस के, तो माइनस आगे ले लिया है, साथ ही साथ ओमेगा एम से भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस के वन प्लस म्यू कॉस ऑफ ओमेगा एम टी, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करेंगे म्यू ओमेगा एम साइन का हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा एम टी, ओमेगा ओमेगा एम टी का दोबारा से करेंगे तो ओमेगा एम स्क्वायर हो जाएगा, ये दैट शुड बी इक्वल्स टू जीरो। कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस के लिए लिया है मैंने कॉमन, ये हो गया म्यू स्क्वायर ओमेगा एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा एम टी प्लस के म्यू ओमेगा एम स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा एम टी कॉस ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा म्यू ओमेगा एम स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा एम टी प्लस के म्यू स्क्वायर ओमेगा एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा एम टी डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर ओमेगा एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा एम टी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से पहला टर्म, ये दो टर्म आपके
साइन और कॉस में है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, म्यू स्क्वायर ओमेगा एम स्क्वायर प्लस के म्यू ओमेगा एम स्क्वायर कॉस ओमेगा एम टी डिवाइड बाई, डिवाइड भी नहीं कर रहे हैं, ऊपर से इतना बचेगा और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ बचा इतना। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा कितना हो जाएगा, यहां से देखो म्यू ओमेगा एम स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा एम टी इज इक्वल्स टू माइनस के म्यू स्क्वायर ओमेगा एम स्क्वायर, ओमेगा एम स्क्वायर से ओमेगा एम स्क्वायर हुआ कैंसिल, एक म्यू से एक पावर कैंसिल हो गई है, तो यहां से मिला आपको कॉस ऑफ ओमेगा एम टी इज इक्वल्स टू माइनस के म्यू मिल गया है। अब बस जो ये कंडीशन हमको मिली है इसको उठा के क्या रखना होता है, उसी फंक्शन में रख दो, तो उस फंक्शन पर जो वैल्यू आएगी वो क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। डबल डेरिवेटिव चेक करने की जरूरत नहीं है हमको, फंक्शन मिनिमम ही आएगा, कंडीशन ही आपकी मिनिमम ले रखी है मैंने ऊपर। अब मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है आपको, बस ये वैल्यू पुट कर देनी है, क्या था, वन प्लस म्यू कॉस ऑफ ओमेगा एम टी अपॉन म्यू ओमेगा एम साइन ऑफ ओमेगा एम टी की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, कंडीशन निकाल लियो पुट कर दो, क्या हो जाएगा, वन म्यू कॉस ऑफ ओमेगा एम टी की वैल्यू कितनी है, म्यू है माइनस के म्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस के म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू ओमेगा एम साइन ओमेगा एम टी को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा एम टी, और कॉस की वैल्यू कितनी है, माइनस म्यू, तो माइनस म्यू का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, म्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये बचा, ये वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, वन माइनस के म्यू स्क्वायर, ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा इतना अपॉन म्यू ओमेगा एम, तो ये मिनिमम वैल्यू आ गई है, यानी कि क्या हो गया यहाँ से हमारा, आर एल सी शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू अंडर रूट वन माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू वन बाई ओमेगा एम। For all time. अब ये किसी भी टाइम के लिए वैल्यू पे, टाइम पे कोई लिमिट नहीं लगी, अगर इससे छोटा है तो अपने आप इनवेलप जो आएगा वो, जो इनवेलप डिटेक्टर का आउटपुट आएगा वो इनवेलप को फॉलो करेगा, अगर ये वाली कंडीशन है। और ये वाली कंडीशन टाइम पे डिपेंड करती है, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होती रहनी चाहिए। तो ये आपका डायरेक्ट जो रिजल्ट लिखे हैं, तीन रिजल्ट मैंने निकाले हैं आपके, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है या डायरेक्ट सीधा सीधा यही कंडीशन पूछी जा सकती है कि मिनिमम अपर लिमिट क्या होगी आर एल सी की, तो आपको ये रिजल्ट याद रखने हैं, फॉर ऑल टाइम, फॉर ए पर्टिकुलर टाइम टी नॉट ये होगी, और इन जनरल कोई मैसेज सिग्नल अगर आपका साइनोसोडल नहीं है तो स्टार्ट यहाँ से करोगे, ये वाली इक्वेशन है। तो अब ये आपका इनवेलप डिटेक्शन पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अपर लिमिट कितनी होगी इसकी, हमेशा इससे लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए ना, अपर लिमिट से मतलब कितना हो गया है, आर एल सी मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्स कितना हो सकता है, मैक्सिमम इतना हो सकता है, अंडर रूट वन माइनस के म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू ओमेगा एम। फॉर मोर वीडियोज एंड लेटेस्ट अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब गेट एजुकेशन चैनल।